गई। इधर हाथी उधर हाथी, रिहायशी इलाकों की सड़कों पर जंगली हाथी की चहलकदमी से फैली दहशत। जंगली हाथी के रिहायशी इलाके में आने से मची अफरा तफरी, सड़कों पर भागते दिखे लोग। गजराज का ऐसा खौफ, दूर दूर भागते हुए दिखे लोग। ये तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश की हैं, जहां रात के समय थाना रायवाला क्षेत्र के हरिपुर कला में एक जंगली हाथी के घुस आने से अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, कोई अपनी दुकान का शटर जल्दी से बंद करता है, तो कोई गाड़ियों को हाथी के रास्ते से हटाने को कहता है। इसी हड़बड़ी में एक जगह पर गाड़ियों का जाम भी लगता है, वहीं दूसरी तरफ हाथी बेखौफ होकर लोगों की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से गजराज कभी इस गली तो कभी उस गली भटकने लगता है। जंगली हाथी को अपनी ओर आते देख लोग अपनी जान बचाने के लिए कोशिश में भागते हैं, वहीं कुछ लोग हाथी के पीछे चलकर उसका वीडियो बनाने लगते हैं। घटना की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद हाथी ऐसे ही घूमते हुए किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, जहां सब्जियों और फलों की दुकान भी है, साइड में गाड़ियां भी खड़ी हुई है। वो तो गनीमत रही कि गजराज का मूड अच्छा था, लोगों के इतने शोर के बाद भी उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। यह सिलसिला करीब 2 घंटे तक इसी तरह चलता रहा। इसके बाद वन विभाग को रिहायशी इलाके में हाथी के घुस आने की सूचना दी जाती है। जंगली हाथी की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच जाती है और हाथी को पकड़ने की कोशिश करती है। काफी देर की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम हाथी को वापस जंगल की ओर भेजने में सफल होती है। खैर, ये कोई पहला मामला नहीं है जब ऋषिकेश के रिहायशी इलाके में जंगली हाथी की घटना सामने आई हो। इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटना सामने आती रही है। वन विभाग एक्शन लेता तो है, लेकिन तब जब जंगली हाथी रिहायशी इलाकों में घुस आते हैं, ऐसे में किसी जंगली हाथी ने हुड़दंग मचा दिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए वन विभाग को अभी से कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।